डी य स्टूडेंट्स द टॉपिक विच नो वी आर डिस्कसिंग इज वर्क प्लेस ले आउट एंड डिजाइन वर्क प्लेस ले आउट का मतलब क्या है किसी भी आर्गेनाइजेशन में जब आप लोग को काम करेंगे तो उस जगह पर खड़े होके कैसे आपने जॉब परफॉर्म करनी है इसको वर्क प्लेस लेआउट कहते हैं जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पे अगर देखा जाए मूवमेंट्स हो रही है यहाँ पर आई कैन ईजिली मूव आई कैन स्टैंड आई कैन टॉक आई एम कम्फर्टेबल इसी तरह जब भी कोई शख्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो वहां पे इस चीज को इंश्योर करना है कि जब आप वहां पे काम कर रहे हैं तो इजीली आपकी मूवमेंट हो सके इसको हम लोग वर्क प्लेस ले एंड डिजाइन बोलते हैं इंटरवेंशन वर्क स्टेशन इंटरवेंशन का मतलब है मुदाखलत कि वो जो वर्क प्लेस है उसमें इंटरवेंशन अगर आपको कोई चीज रिक्वायर्ड है कि आसानी से अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल सेकेंड अगर इसमें पैराग्राफ देखा जाए तो डी स्टूडेंट्स इसमें मैंने आपके लिए ट्राइप किया है आल टूल्स इक्विपमेंट्स आल कंपोनेंट्स अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मुझे कुछ टूल चाहिए इक्विपमेंट चाहिए कोई भी किसी किस्म की चीज रिक्वायर्ड है मुझे आसानी से अवेलेबल है क्या मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ इसको हम लोग डी एस स्टूडेंट्स बोलते हैं इंटरवेंशन वर्क स्टेशन इंटरवेंशन वर्क स्टेशन को अगर फर्दर देखा जाए तो इसमें हम लोग ये देखते हैं दोर्स एग्जर्शन रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म दर मिनिमल हमारी जो अपनी बॉडी की फोर्स है वो कम से कम इन्वॉल्व हो मैंने मूव करना है यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ मैनुअल मटीरियल हैंडलिंग मैनुअल का मतलब है अपने हाथ से कि आप लोग किसी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेते बल्कि मैनुअल मसलन कि मैं नीचे बेंड होकर कोई चीज़ उठाना चाहता हूँ तो मैनुअली मुझे वो चीज़ उठानी पड़ेगी इसको हम कहते हैं इंटरवेंशन मैनुअल मटीरियल फॉर एग्जाम्पल मैनुअल मटीरियल इज अ अमन एक्टिविटीज इन मोस्ट ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट वर्कर्स हैंडल रॉ मटीरियल टूल्स फिनिश प्रोडक्ट्स फिनिश मटीरियल कंटेनर्स एंड पैकिंग मटीरियल ऑन अ डेली बेसिस ये चीजें रूटीन में होती हैं लेकिन वो फिजिकली लोग इसको उठाते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रोबोटिक्स भी होते हैं जो कि ये काम ऑटोमेटिक मशीन की मदद से कर सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल कैपेसिटी इंटरवेंशन वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल वर्क स्टेशन डिजाइन एज वर्कर्स स्पेंड मोर टाइम ऑन कंप्यूटर देयर इज एन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड फ्रीकुन्सीगोनोमोटिक्ड एर्गोनोमिक इंजरीज एंड इलनेस पुअर वर्क स्टेशन डिजाइन इज ऑफन द काज ऑफ बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फिजियोलॉजिकल अगर आपकी एक्जर्जन ऑफ बॉडी ज़्यादा है तो फिजिकली प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप लोग हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और कंप्यूटर को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्जर्जन ऑफ माइंड का काम है तो चांसेस हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं आपकी वर्क लाइफ बैलेंस में बैलेंस होना चाहिए काम और लाइफ में अगर बैलेंस होगा तो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होने के चांसेस कम होंगे इंटरवेंशन वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल वर्क स्टेशन डिजाइन इसमें लास्ट पे जो मैंने तीन बुलेट्स डी स्टूडेंट्स आपके लिए बनाए हैं उसको हम देखते हैं एडजस्टेबल बैक रेस्ट एंड सीट अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो उसकी जो बैक रेस्ट है वो सीट है वो एडजस्टेबल हो नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी आप कर सकें गुड लंबे स्पोर्ट लोअर बैक लोअर बैड के नीचे कोई स्पोर्ट के लिए पीछे कोई तकिया पिलो या कोई ऐसी चीज जो आपकी बैक को सपोर्ट कर सके ये होनी चाहिए फाइव लेग्स फॉर बेटर स्टेबिलिटी आपकी बेटर स्टेबिलिटी के लिए कि वो जो चेयर है उसके नीचे फाइव लेग्स दो ताकि प्रॉपर वो अपनी जगह पे स्टेगनेंट हो और लास्ट इसमें अगर हम लोग देखना चाहें स्टूडेंट्स इंटरवेंशन वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल वर्क स्टेशन को तो इसमें यह देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलोइंग फीचर्स वर्क स्टेशन में होना लाजम है जिसमें नंबर वन व्हील व्हील्स फॉर मोबिलिटी

अगर ये चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से सम सॉर्ट ऑफ बैक बोन प्रॉब्लम हो सकती है आर्म रेस्ट एंड फुट रेस्ट इफ़ नेसेसरी टू द सिचुएशन। बाजू रखने के लिए प्रॉपर रेस्ट और फुट रेस्ट अगर मौजूद है तो यू विल बी मोर कम्फर्टेबल इन तीनों चीजों की मदद से आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट डिवेल्प कर सकते हैं